बच्चों, आज हम सुनेंगे स्वामी विवेकानंद और बंदर की कहानी। ये कहानी स्वामी विवेकानंद की है, जो एक बार थैले में कुछ खाना लेकर जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ बंदर उनका पीछा करने लगे। शायद बंदरों को उनके पास रखे हुए खाने की सुगंध मिल चुकी थी। इसी वजह से बहुत सारे बंदर उनका पीछा करने लगे। तो बंदर स्वामी विवेकानंद के सामने एक समस्या बनकर आए थे। स्वामी जी शुरुआत में उन बंदरों से डर गए और इस वजह से वो भागने लगे। जब वो भाग रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि वो कब तक इन बंदरों से भागते रहेंगे। उन्होंने अपना हौसला बढ़ाया और वहीं खड़े होकर बंदरों को भगाने लगे। उन्होंने उनका सामना भी किया। कुछ देर बाद बंदर वहां से भाग गए। शुरुआत में वे उनसे भागने लगे थे, जिससे कि बंदरों का मनोबल बढ़ गया और वो ज्यादा तेजी से उन्हें डराने लगे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने रुककर उनका डट का सामना किया, तब वो सारे बंदर वहां से भाग गए। इसी तरह से हमें भी परेशानियों का डट कर सामना करना है। अगर हम परेशानियों से भागेंगे तो हमारी परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें कभी भी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए।